फिर जो जैसे आपने बरबर अच्छे हैं तो उसके आप लोग अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं। जो कक्षाएं के छात्रों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, आज का जो टॉपिक है री की मात्रा, री की मात्रा और छोटे छोटे शब्द। पिछले क्लास में मैंने बताया था, आज बताएंगे री की मात्रा के कुछ शब्द और उसके बाद वाक्य, इसके बड़े परिवार की प्रार्थना होता है। जो प्रार्थना बीज तैयार हो जाए, प्रार्थना करना है, बीज नंबर 13 में आपने लिखी हुई है, विनती सुनो हे भगवान हम सब बालक है ना दारू। विनती सुनो हे भगवान हम सब बालक है ना दारू, विद्या कुछ पास हमें मना लो अपना से आप लोगों को समझना है। प्रार्थना की बात चलते हैं मात्राओं पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वर, जैसे मात्राएं हैं जो ऐसा बता रहा था री की मात्रा। तो री की मात्रा तो किसी भी वर्ड में रहती है तो वो वर्ड के साथ री भी निकलती है। जैसे का में हमने री की मात्रा जोड़ा है
तो उसको पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ते हैं कौ विधि की मात्रा, तो जोड़ देंगे तो पढ़ेंगे क्री, क्या पढ़ते हैं क्री। इसलिए बात बताया जो आपने, इसी तरह से माँ में जोड़ते हैं की मात्रा तो पढ़ते हैं इसको मरी, क्या पढ़ेंगे मरी। नाम में जोड़ते हैं ऋ की मात्रा बच्चों तो पढ़ेंगे इसको मृी, मृी। नाम में जोड़ेगा मृी, आवे मृी, आवे मृी, आवे जोड़ेंगे तो निकलेगा मृी। इस तरह से इनका उच्चारण होगा। बच्चे देखिए, इसके साथ साथ मैंने उसमें आपको दो दो वर्णों वाले क्वेश्चन भी बताए थे, फिर तीन तीन वर्णों वाले बताए थे, और ध्यान से सुने, आज मैं आपको कुछ वाक्य भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो दो वर्णों वाले शब्द लिखते हैं, इसके बाद किसी का है कावे, हमने बीच में बताया है प्री, और ये है पौ, क्री पौ, ये पा में हमने बड़ा अक्षर अक्षर लगा दिया तो पढ़ेंगे पा, जो बड़ा अक्षर अक्षर लगाते हैं तो दो से पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे क्री पा, तो पढ़ेंगे क्री शब्द बन जाएगा, इसको पढ़ेंगे त्रिपा, पढ़ेंगे त्रिपा। ये माँ है, माँ ने लिख वर्ण बना दिया, यह का अभिलाग बना दिया, ये हो जाएगा मरी, ये हो जाएगा मरी ग, अलग अलग पढ़ेंगे इसको, जब तक सब जुड़ता नहीं तो अलग अलग, और जब दोनों वर्णों को हम मिला लेते हैं तो एक शब्द बन जाता है बच्चों, उसको पढ़ते हैं हम मृग, क्या पढ़ते हैं मृग। नाम है हमने लिखी वार्ता जोड़ी, यहाँ पा बना दिया, और अगर इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे री ओ, क्या पढ़ेंगे री ओ, और जब उन वर्णों के लिए साथ जोड़ने को चो तो पढ़ेंगे हम री ओ, री ओ। दूसरा पद होता है राजा। इसी तरह से लिखा है दिया, आप ग्री ग्री जो जब इसको हमने जोड़ा हो गया ग्री, क्या हो गया ग्री, सो देखिए ध्यान से अब समझेंगे, पढ़ेंगे कृपा मृग नृप ग्रीह। देखिए बच्चों,
ये तो दो दो वर्णों वाले शब्द हो गए हमारे, अब तीन तीन वर्णों वाले शब्द ये है पावे मात्रा का अलग है, दीर्घ का अलग है, इसको पढ़ेंगे प्री ख ग प्री ख ग। और जो जब तीनों वर्णों को एक साथ मिला देंगे तो पढ़ेंगे अलग से लिखा है बताया को बताया या बताया क्या होगा बच्चों ये परीक्षक सूत्र से कहने रिजवासा आवड़ा कुत्रा अड़ा है, इसको अलग तरीका है पढ़ेंगे त्री पाड़ त्री पाड़। अब देखिए विभिन्न शब्द मिला दिया, विभिन्न शब्द मिला दिया बच्चों पढ़ेंगे त्री पाड़ क्या पढ़ेंगे त्री चित्र से यहां आवा दिया आवेदी की मात्रा पा या में बड़ा की मात्रा इसको बच्चे पढ़ेंगे क्री प या क्री प या। जब वो सभी वर्णों को सभी चरणों को एक साथ मिला देंगे मिला के पढ़ेंगे कृपया पढ़ेंगे कृपया। इस तरह से तमाम शब्द और बन जाएंगे। इस यहाँ पे सावधान दिया दिया स्त्री ज न पढ़ेंगे स्त्री जन पढ़ेंगे जन। इस तरह से बच्चों हम इनको दो दो वर्णों वाले शब्द तीन तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ेंगे। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं इधर। ये वाक्य है वाक्य उनका है मरी तो मरी तो हम इसको एक साथ बनाएंगे तो जाएगा अमृत। अमृत के
अमृत ए गृह, गृह माना होता है घर, अमृत के गृह के पास बहुत सारे वृक्ष कमे वृद्धि मात्रा सचिका वृक्ष
क्या ऋषि की कुटिया पर जा, इसकी कुटिया पर जा और की कृपा पा। आश्रम चल बच्चों उन्हें एक बार जो मैंने आपको लिखाया है उसको मैं पढ़ाता हूं, ध्यान से पढ़े। ये है कली की भाषा का आज बराबर था घर
बाहर बहुत सारे पेड़ है शब्द हुआ अमृत मृदंग बजाता है अमृत घर आ मातृ पितृ की सेवा कर गृह से ऋत ला ऋषि की कुटिया पर जा उनकी कृपा का आश्रम में मृग तृण चर रहा है आश्रम में मृग तृण चर रहा है जो समझ में आई बात नहीं आई इस प्रकार से आपको इनको सुनना है बार बार आपको है अमृत के गृह के पास बहुत सारे वृक्ष है अमृत जाता है अमृत घर आ मातृ पितृ की माता पिता माता पुत्र पिता मातृ पुत्र की सेवा कर गृह से गृह ला गृह माने घर से माने घी ला ऋषि की या पर जा उनकी कृपा का आश्रम में मृग किरण चल रहा है जिस तरह से ये पाठ आज पूरा हुआ और फिर समाप्त हुआ अगले दिन पुनः इसके आगे बताएंगे जो टॉपिक हुआ एक ही मात्रा वाले शब्द जो आश्रम का बेस नॉट होता है अपने बड़े प्रोग्राम लेते हैं हम लोग घर में रहे सुरक्षित रहे और आज से कक्षा 11 बजे का स्कूल खुल गए हैं तो अच्छा होगी गर्मी लगी है हमारे यहाँ के बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे इसके बाद 5 अगस्त से नवे स्वर्ण खुलेगा इसके बाद आपको रवि खुलेगा ध्यान करें जल्दी भगवान से आशा है विद्यालय बड़े खुलेंगे और आपको जरूर मिलेंगे और आमने सामने बढ़ते पढ़ेंगे तो जय हिंद।